तो गाइस इस रील को एडिट करने के लिए गाइस पहले तो आप लोगों को यहाँ पे जो है कैपकट आपका यूज़ करना है एंड जो भी स्टॉक वगैरह होगा सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को जाकर देख लेना पहले मतलब कि फिर उसके बाद जाकर डाउनलोड कर लेना ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो है जिस वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं पहले उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो उसको मैं सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है ओवरले के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप ओवरले के ऊपर क्लिक करोगे ओके गाइस, उसके बाद आप लोग यहाँ पे करना है गाइस आप लोगों को ओवरले के ऊपर एक बार क्लिक करना है एंड जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको गाइस एक वीडियो में लेके उसको डाउनलोड करके रख लेना आप सभी को। फिर इसको यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे गाइस मैं ऐड करके जो इसका पे छोटा सा करके यहाँ पे साइड में रख लूँगा गाइस ठीक है यहाँ पे इस तरीके से। एंड उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है गाइस वो मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। इसको हम जो है बाद में डिलीट कर देंगे गाइस, आप लोग इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम ब्लर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे इफेक्ट में, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो ट्रेंडिंग ऑप्शन खुलेगा गाइस उसमें आपको एक डायमंड ब्लर मिलेगा गाइस ठीक है। डायमंड जूम करके आपको ये थर्ड वाला जो है ये इसको आपको यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर टाइप करोगे तो आपको जो है इंटेंसिटी एंड स्पीड वगैरह आपको मैनेज कर लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इंटेंसिटी फुल रखूँगा एंड स्पीड को जो अराउंड यहाँ पे 19 तक रखूँगा ठीक है। इसके बाद डन कर दूँगा यहाँ पे एंड उसके बाद यहाँ पे गाइस मैं वीडियो को प्ले करके देखूँगा कि गाइस वीडियो का जो म्यूजिक है उसके हिसाब से मैं गाइस यहाँ पे जो है इस ब्लर को ऐड करूँगा ठीक है। तो यहाँ पे जो है गाइस यहाँ पे ब्लर को जो है कुछ इस टाइप से यहाँ पे इतना रखेंगे ठीक है, इतना रखेंगे यहाँ तक का म्यूजिक है तो यहाँ तक हम ब्लर रखेंगे। और उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे हमें स्लोमो ऐड करना है तो स्लोमो ऐड करेंगे। पहले हमें प्ले करके देख लेते हैं एंड स्लोमो जो है हम यहाँ से ऐड करेंगे। तो स्लोमो यहाँ से शुरू हो रहा है म्यूजिक के हिसाब से, तो यहाँ पर हम जो वीडियो पर एक ट्रिम लगा देंगे ठीक है, स्प्लिट कर लेंगे वीडियो को एंड यहाँ से अगर स्पीड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे कर्व वाले ऑप्शन पर जाएंगे। कर्व वाले ऑप्शन पर जाने के बाद सबसे पहला जो है कस्टमाइज वाला वो वाला हम ऐड करेंगे। बाकी जो अदर हैं जो गाइस मैं आप चेक कर सकते हो आपको उनके हिसाब से भी जो है अगर वीडियो में मैच करें तो आप उनको रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे कस्टम वाले में जाकर अपने हिसाब से यहाँ पे जो है आप एडिट कर सकते हो ठीक है। यहाँ पे मैं जूम स्पीड को जो है मैं इस तरीके से रखूँगा यहाँ पे स्लोमो को ठीक है। तो ये लोग ये सब चीज़ें जो है आप अपने हिसाब से करना ठीक है। एंड वीडियो की लेंथ जो है अराउंड 10 सेकंड तक रखनी है आप सभी को। तो यहाँ पे मेरी वीडियो ही 10 सेकंड की थी बट स्लोमो वगैरह ऐड करके जो है कम हो गई है, बट आप लोग कोशिश करना कि 20 सेकंड की वीडियो आप शूट करो एंड उसमें जो है आप कुछ मतलब कि जब आप स्लोमो ऐड करोगे तो 10 सेकंड तक की हो जाएगी ठीक है। तो कोशिश करना कि आपकी जो वीडियो हो वो कुछ मतलब कि 20 सेकंड तक शूट हो ठीक है। यहाँ तक हमारा इतना काम हो चुका है, अभी गाइस इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं मेरे को। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्लोमो जो है थोड़ा ज़्यादा ऐड हो गया है तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा थोड़ा कम कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इतना कम कर लेता हूँ ऊपर से भी ठीक है, हल्का हल्का स्लोमो रखूँगा मैं गाइस यहाँ पे। तो अब देखिए गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा प्ले करके चेक करेंगे कि यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो अभी यहाँ पे इतना परफेक्ट लग रहा है ठीक है। बाकी गाइस इसमें जो हम कुछ इफेक्ट वगैरह भी यूज़ करेंगे, जैसे कि गाइस मैं आपको बता देता हूँ पहले यहाँ पे हम स्टार्टिंग में लेंगे इफेक्ट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो म्यूजिक के हिसाब से जो है मतलब एक यहाँ पे मैं शेक इफेक्ट ऐड करूँगा। तो आप वीडियो इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड उसका सबसे फर्स्ट वाला जो शेक है इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे ठीक है। एंड इसको जो लेंथ इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे हम, इसको थोड़ा सा रखेंगे अराउंड 2 सेकंड तक एंड उसके बाद क्या करेंगे इसका जो कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करके जो इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ रख लेंगे यहाँ पे ठीक है। एंड उसके बाद इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, वीडियो इफेक्ट के ऊपर हम दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड बॉडी इफेक्ट के ऊपर, बॉडी इफेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आप बॉडी इफेक्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे थर्ड वाला जो है ये वाला ग्लोइंग लाइन वाला ये आपको लेना है ठीक है इस यहाँ पे। एंड उसको भी सेम वैसे ही करना है आपको यहाँ पे, इसके भी जो लेंथ ज़्यादा नहीं रखना है, इसको भी 2 सेकंड तक अराउंड रखना है एंड उसको इसका कॉपी करके जो है मतलब कि एक आगे की तरफ रख देना है ठीक है। आपकी वीडियो की जितनी लेंथ होगी उसके हिसाब से आपको इस चीज़ रखना है ठीक है। तो अभी जो हम इसको प्ले करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो बट उससे प्ले करने से पहले जो हम इस वीडियो को हमें डिलीट कर देंगे, सो हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी देखो गाइस यहाँ पे इतना काम हमारा हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे पहले इसको जो है मतलब यहाँ पे पहले म्यूजिक को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऑडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियो जो हमने दिया आप सभी को उसी का ऑडियो आपको यहाँ पे ऐड करना है एंड यहाँ पे गाइस देखिए ऑडियो जो स्टार्टिंग में लास्ट में ऐड हो गया तो इसको हम जो है स्प्लिट करके आगे एक तरफ ले जाएंगे। एंड गाइस देखिए आज जो हमारी वीडियो यहाँ पे फाइनल एडिट हो चुकी है। तो गाइस आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं देख दी, तो आई होप कि आप सभी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी मिलता है नेक्स्ट।